हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज रीड द डिफरेंट कंपोनेंट्स फ्रॉम ए टू डी इन द लिस्ट गिवन बिलो एंड टेल द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कंपोनेंट्स विद रेफरेंस टू देयर अरेंजमेंट फ्रॉम आउटर साइड टू द इनर साइड इन अ वुडी डाइकॉट स्टेम। ए हैज सेकेंडरी कॉर्टेक्स, बी इज वुड, सी इज सेकेंडरी फ्लोएम एंड डी इज फेलम। सो करेक्ट ऑर्डर यहाँ पे हमें बताना है। सो द की कंसेप्ट हियर इज सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ से प्लांट में इंक्रीज होता है इन दी गर्थ, यानी प्लांट का डायमीटर बढ़ता है। सो अगर हम डाइकॉट स्टेम की बात करें तो इसकी स्टेम डिवाइडेड होती है इनटू टू रीजन्स। आउटर वन इज कॉल्ड एज दी एक्स्ट्रा स्टेलर रीजन, एंड द इनर रीजन इज कॉल्ड एज दी इंट्रास्टेलर रीजन। और इनकी डिमार्केशन कौन कर रहे हैं? ये लेयर जिसे हम कहते हैं पेरिसाइकल। सो अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें आउटर साइड से सीक्वेंस बताना है तो इसलिए हम शुरुआत करते हैं एक्स्ट्रास्टेलर रीजन से। एक्स्ट्रास्टेलर रीजन के जो पेरेन्काइमा सेल्स होंगे उनमें से कुछ सेल्स डी डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं, और डी डिफ्रेंशिएट करके ये बनाते हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यू जिसे हम कहते हैं कॉर्केम्बियम। कॉर्केम्बियम क्या करता है? आउटर साइड पे जो सेल की लेयर बनाता है उसे हम कहते हैं कॉर्क या फिर फेलम। कॉर्केम्बियम को हम कहते हैं फेलोजन, और ये अंदर की तरफ सेल्स बनाएगा उन्हें हम कहेंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स। इसे फेलोडर्म भी कहते हैं। अब सेकेंडरी कॉर्टेक्स के नीचे वाली साइड प्रेजेंट होता है प्राइमरी कॉर्टेक्स, उसके अंदर प्रेजेंट होगा एंडोडर्मिस, उससे नेक्स्ट प्रेजेंट होता है पेरिसाइकल। अब पेरिसाइकल से अंदर अब एंटर कर जाते हैं इनटू द इंट्रास्टेलर रीजन। इंट्रास्टेलर रीजन में ये जो वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे ये एक कंप्लीट कैम्बियल रिंग बनाते हैं बाय द जॉइनिंग ऑफ इंटर एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के इस तरफ ये प्राइमरी जाइलम प्रेजेंट है और ये प्राइमरी फ्लोएम, और ये प्राइमरी फ्लोएम और जाइलम के बीच में ये जो कैम्बियम है ये फिर आगे कट आउट करेगा सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम इन दी सेकेंडरी ग्रोथ। यानी सेकेंडरी ग्रोथ के बाद पेरिसाइकल के अंदर प्रेजेंट होगा प्राइमरी फ्लोएम, उससे नेक्स्ट आ जाएगा अब सेकेंडरी फ्लोएम, उसके अंदर प्रेजेंट होगा सेकेंडरी जाइलम, और उससे अंदर प्रेजेंट होगा प्राइमरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम को वुड भी कहते हैं। सो अब क्वेश्चन में दिए गए कंपोनेंट्स को हम अरेंज करते हैं। फर्स्ट है सेकेंडरी कॉर्टेक्स और सेकेंड है वुड। सेकेंडरी कॉर्टेक्स हो जाएगा ए एंड बी इज द वुड, उससे नेक्स्ट दिए हैं सेकेंडरी फ्लोएम एंड फेलम। तो सेकेंडरी फ्लोएम हो जाएगा सी और फेलम हो जाएगा डी। सो इनका सीक्वेंस फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड हो जाएगा डी देन ए देन सी एंड देन बी। तो अब ऑप्शन में ऐसा देखते हैं सीक्वेंस। ऑप्शन बी में यही सीक्वेंस दिया है डी ए सी एंड देन बी। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।